Oh!
नामक बता दें, मैं मौजूद हूँ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं मेट्रो कॉलेज के सत्तरपुर मेट्रो कॉलेज टांडा टू अकबरपुर मार्ग के बीच में छात्र यहाँ बैठे हुए प्रमुख गांवों को लेकर इनका आरोप है कि प्रधानाचार्य के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है उसके उसे उसी मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित है। आपको बता दें कई बार उच्च अधिकारियों से अवगत कराया है लेकिन अभी तक प्रधानाचार्य को हटाया नहीं गया। आज प्रधानाचार्य के हटाए जाने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर बैठ गए हैं। आपको बता दें 6 छात्र बेहोशी की हालत में है, इसमें 4 छात्र हैं, 2 छात्राएं जो बेहोशी की हालत पड़े हुए जिसे लेकर आंदोलित हैं। छात्र यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में बहुत मौजूद है। आपको बता दें मेट्रो कॉलेज के छात्र 2021 के जो 46 वंचित हुए हैं उसी के विरोध में आरोप है छात्रों का कि प्राचार्य के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, उनको जो है परीक्षा में बैठने दिया। आज यह बैठे हुए हैं, इनकी प्रमुख यही मांग है कि प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये आंदोलित है, अड़े हैं, जमीन पर बैठे हैं, करीब आधी घंटे होने को है। अलीगढ़ थाना अध्यक्ष मौजूद है, फोर्स के साथ शांति व्यवस्था बनी हुई है। श्रीवास्तव TV7 न्यूज सहयोगी आलम के साथ अम्बेडकर नगर। जो 46 बच्चे जो है एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बस यही है कि हमने पीछे जितनी भी स्ट्राइक की थी उसकी सजा देना चाहते थे प्रिंसिपल सर। उन्होंने पहले से हमें धमकी दी थी कि अगर आप यही सब स्ट्राइक वगैरह करते रहेंगे तो आधा बैच ही एग्जाम दे पाएगा। उन्होंने पहले ही कहा था और उन्होंने वही किया है। अपने हक के लिए हम खड़े हुए थे, उसी की सजा मिल रही है। इसकी वजह वो बता रहे हैं अटेंडेंस शॉर्ट है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्टर रातों रात ऑफिस में बनाया गया है, उन्होंने खुद नया रजिस्टर बनाया है। ये किस बैच के छात्र हैं जो बेहोशी की हालत मिले मैडम? फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। 6 छात्र बेहोशी की हालत मिले हुए हैं, इमरजेंसी में भर्ती हैं। आप इसको किसे जिम्मेदार मानती हैं? प्रिंसिपल सर को। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल सर की। जी, आप आज सड़क पर उतरी हुई हैं, आपकी प्रमुख मांग कौन सी है? प्रिंसिपल सर इस्तीफा दें। इस्तीफा दें, कारण क्या है? आप लोग आज सड़क पर हैं, कारण क्या है? लंबे समय से आप आंदोलित हैं, कारण इसका क्या है? हम 1.5-2 साल से प्रिंसिपल सर की मांगे और वो जो भी कर रहे हैं वो सब झेल रहे हैं, पर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, इसलिए हम तब से स्ट्राइक पे हैं। और वो प्रिंसिपल सर जो हमसे अवैध वसूली कर रहे हैं वहाँ तक भी हमने स्ट्राइक की थी। और अब फर्स्ट ईयर के बच्चों को, 46 बच्चों को उन्होंने डिटेन कर दिया है सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें क्योंकि बच्चे जो बीमार हालत में हॉस्पिटल में पड़े हैं वो मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो चुके हैं। बच्चे सुसाइड तक का बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं बच्चे। हम चाहते हैं कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करे, कोई सुसाइड करे, उससे पहले प्रिंसिपल इस्तीफा दें। जी, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो, उससे पहले हम चाहते हैं प्रिंसिपल इस्तीफा दें। क्या कारण है वो जो है अचेत अवस्था में मिले हैं, इसका कोई कुछ पता लगा? आज से उनकी परीक्षा शुरू होनी थी और पीछे हमने जो भी स्ट्राइक की थी उसमें बच्चों को सजा देने के लिए उन्होंने 46 बच्चों को डिटेन कर दिया है, परीक्षा में नहीं बैठने दिया, इसलिए बच्चे खाना नहीं खाए हैं 2 दिन से और बेहोश हालत में मिले हैं। क्या प्राचार्य की तरफ से अभी कोई सुध ली गई बच्चों की तरफ से? कोई सूचना नहीं ली गई है, ना वो इमरजेंसी आए हैं बच्चों को देखने, हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो बच्चों से मिलने भी नहीं आए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर, आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग तो यही है कि हमारे साथ जो भी अभी तक मानसिक प्रताड़नाएं जो भी झेली हैं हम लोगों ने उसकी कंप्लेन किया है, लिखित में हम लोगों ने दिया है, प्रशासन तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें यही करना है कि इसी क्रम में इन पर कार्रवाई हो, और अभी तक जो कार्रवाई नहीं हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हमारी सुनवाई अंदर तक नहीं हुई है, हमें रोड पे आके बैठना पड़ रहा है। जी, 6 छात्र जो है बेहोशी की हालत मिले, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये सीधा प्रशासन का इसमें हाथ है, कॉलेज प्रशासन का, क्योंकि उन्होंने पहले ही धमका रखा था
कि तुम्हें मैं फेल करूंगा, और उन्होंने अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इन्होंने 46 बच्चों को उन्होंने डिटेन कर दिया है, जिसमें कि पूरा का पूरा जो आधा बैच जो है वो निपट चुका है, और आधा बैच जो है वो बिना मन से वो पेपर में किसी तरह बैठ रहे हैं, ताकि जो भी हमारे एग्ज़ाम के संचालक हैं उन पर ना कुछ हो। बाकी और कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पे जो मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है उसी का रीज़न है कि आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए बच्चे। सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉलेज प्रशासन का ये देन है कि आज यहाँ पे हम पहुँच गए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी प्रमुख मांग कौन सी है? मांग वाली कोई बात नहीं है, हम लोग पहले ही ये चीज़ बता चुके थे कि प्रशासन के द्वारा हमको दबाया जा रहा है जी, जबरदस्ती की वसूली किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने पे हमको डिटेन और सप्ली देने का धमकी दी जाती है। और इस बार जो है अभी अभी जब फर्स्ट ईयर था, अभी जब डिटेन की लिस्ट आई है उसमें 46 लड़के डिटेन हुए, मतलब ये पहली बार हुआ है कॉलेज बनने के बाद। जैसे सामने धमकाया था उसी का सीधा एकदम दिखाया, वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब हमको ये मांग है कि हमारे लड़के सारे बैठे और प्रिंसिपल इस्तीफा दे, बस। आज जो छात्र जो है बेहोशी की हालत मिले हैं, और ये किसको आप मानते हैं? इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है प्रिंसिपल सर को, उन्होंने ही हमको धमकी दिया था और उन्हीं के ईगो सेटिस्फेक्शन की वजह से हुआ है। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांग आपकी? ये जो प्रदर्शन है प्रिंसिपल के खिलाफ है, हमारी यही मांग है कि कॉलेज का जो प्रशासन है वो किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए। जो भी प्रिंसिपल इस समय है वो बिल्कुल तानाशाही टाइप और भ्रष्टाचारी टाइप है, रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि कॉलेज का जो प्रशासन ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांग आपकी? ये जो प्रदर्शन है प्रिंसिपल के खिलाफ है, हमारी यही मांग है कि कॉलेज का जो प्रशासन है वो किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए। जो भी प्रिंसिपल इस समय है वो बिल्कुल तानाशाही टाइप और भ्रष्टाचारी टाइप है, रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि कॉलेज का जो प्रशासन ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए। हलो। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी प्रमुख मांग कौन सी है? मांग वाली कोई बात नहीं है, हम लोग पहले ही ये चीज़ बता चुके थे कि प्रशासन के द्वारा हमको दबाया जा रहा है जी, जबरदस्ती की वसूली किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने पे हमको डिटेन और सप्ली देने का धमकी दी जाती है। और इस बार जो है अभी अभी जब फर्स्ट ईयर था, अभी जब डिटेन की लिस्ट आई है उसमें 46 लड़के डिटेन हुए, मतलब ये पहली बार हुआ है कॉलेज बनने के बाद। जैसे सामने धमकाया था उसी का सीधा एकदम दिखाया, वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब हमको ये मांग है कि हमारे लड़के सारे बैठे और प्रिंसिपल इस्तीफा दे, बस। आज जो छात्र जो है बेहोशी की हालत मिले हैं, और ये किसको आप मानते हैं? इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है प्रिंसिपल सर को, उन्होंने ही हमको धमकी दिया था और उन्हीं के ईगो सेटिस्फेक्शन की वजह से हुआ है।